मैं उसे तब से जानता हूँ जब मैं 5 साल का था, इतना आसान नहीं है। बस तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें उससे दिल तो लगाना ही है लेकिन हाथ भी दुख रहे हैं। है, क्या हाल है? ठीक है, मैं बढ़िया हूँ। जब ब्रा मिल जाए तो नीचे आ जाना। तो हाई स्कूल की लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसे हम सभी बार बार जीना चाहते हैं। शायद मे बी वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, इसलिए हमें वो लाइफ इतनी ज्यादा याद आती है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी टॉप 10 हाई स्कूल ड्रामा 3 मूवीज के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप फ्रीली जाके देख सकते हो बाहर भी किसी साइट से डाउनलोड करके। ये सभी मूवीज आपको हिंदी में डब्ड मिल जाएंगी और सभी की सभी मूवी बहुत ही अच्छी हैं। तो चाहे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर सीरियसली सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा कम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। बहुत लंबी लड़की जो आपके स्कूल में थी, शायद क्या तुम चाहोगी कि तुम मेरे साथ? वेल, वो मैं हूँ। मैं कुछ नहीं, 16 साल की हूँ, 6'1½। शुरुआत करते हैं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी ऑल द ब्राइट प्लेसेस के साथ, जिसकी स्टार कास्ट में आपको एली फैनिंग और जस्टिस स्मिथ देखने के लिए मिलेंगे। दोनों ही बहुत ग्रेट एक्टर हैं। जब आप इस मूवी को देखोगे तो आप देखने के बाद खुद बोलोगे। तो कहानी का प्लॉट फॉलो करता है दो ऐसे टीनएजर्स के ऊपर जो कि अपने हाई स्कूल के दिनों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। बेस्ट फ्रेंड्स थे या नहीं थे ये आपको खुद जानना होगा। मूवी में किस तरह से वो बेस्ट फ्रेंड्स क्लोज आते हैं धीरे धीरे करके और किस तरह से रोमांस की दुनिया उनके अलग अलग घूमने लगती है ये आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये मूवी आपको अपने हाई स्कूल के दिनों में इस तरह से वापस लेके जाएगी कि आप उस दुनिया से वापस भी नहीं आना चाहोगे। तो आप इस मूवी को जाके पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो हल्के फुल्के कंटेंट के साथ ऑल द ब्राइट प्लेसेस को। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आती है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी द किसिंग बूथ। द किसिंग बूथ एक ऐसी मूवी है, यहाँ पर आपको 3 दोस्त देखने के लिए मिलेंगे। 2 भाई हैं और उनके 1 दोस्त है। और दूसरी ओर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी एक फ्रेंड को उसी के भाई के साथ प्यार हो जाता है। अब उनके कुछ यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस हैं जो कि वो फॉलो करते हैं रूल और रेगुलेशंस के साथ, क्योंकि वो अपने उसकी सिस्टर के साथ और दूसरी ओर उसके भाई के साथ प्यार नहीं कर सकते। उसके अराउंडिंग ये स्टोरी घूमती है और किस तरह से दोनों जाके अचानक से एक फेस्टिवल में जाके किस कर लेते हैं और उसके बाद किस तरह से मूवी में किसिंग बूथ नाम आपको देखने के लिए मिला जाए आपको मूवी देखने के लिए मिलेगा। मूवी बाकी में बहुत अच्छी है, अगर आप मूवी में बने रहे तो आपको इसका सेकंड पार्ट हाल ही में रिलीज हुआ है वो भी जाके एंजॉय कर सकते हो द किसिंग बूथ का। मुझे लगता है वो 11 है। भाई साहब देख तो उसे क्या लग रही है वो। तीनों पहुंचो मेरे ऑफिस। लड़कियों से कोई बदतमीजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तब जब वो लड़की तुम वहां जरूर आएगा। बिल्कुल भी नहीं। ऑसम। मैं आती है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी एलेक्स द स्ट्रेंज लव। एलेक्स द स्ट्रेंज लव एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी हाई स्कूल की लाइफ के बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, उसका एक भाई है जो कि दोनों बहुत ही आराम से रहते हैं। लेकिन कहानी में टर्न ट्विस्ट तब आते हैं जब उसका हाई स्कूल का वक्त खत्म होने वाला होता है लेकिन अभी तक कुछ किया भी नहीं होता। बस उसी के अराउंडिंग स्टोरी घूमती है जो कि हल्के फुल्के कंटेंट के साथ इतनी अच्छी आपको हाई स्कूल की लाइफ दिखाएगी कि आप अपने टीनेज के दिनों में वापस जाना चाहोगे। तो आप इस मूवी को जाके पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो एलेक्स स्ट्रेंज लव को। नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल मूवी कैंडी जार। अब नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा मूवी बनती है बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में जो कि आपस में होते हैं और बाद में लड़ पड़ते हैं, उसके बाद फिर से वो इकट्ठे होते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी आई थी निकल के कैंडी जार। कैंडी जार स्टोरी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे ब्लैक लड़के के ऊपर एक व्हाइट गर्ल के ऊपर जो कि बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन कॉलेज में उनके जाते ही कुछ ऐसे उनको कॉम्पिटिशन मिल जाते हैं, वो एक दूसरे से आगे निकल के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। बस उसी के अराउंडिंग जो स्टोरी घूमती है और किस तरह से वो दोबारा क्लोज आते हैं ये आपको मूवी देखना होगा। तो आप इस मूवी को जाकर पूरा एंजॉय कर सकते हो कैंडी यार को। पर लिस्ट में आती है नेटफ्लिक्स की कोरियन मूवी लेट इट स्नो। लेट इट स्नो 2019 में रिलीज की गई थी और इसका प्लॉट फॉलो करता है 3 ऐसी गर्ल्स और 3 ऐसी लड़कियों के ऊपर, टोटल 6 फ्रेंड्स के ऊपर जिनकी लाइफ में अलग अलग चल रहा है। जहां पर एक दोस्त एक लड़की से प्यार करता है उसे बता नहीं पा रहा, एक लड़की को ये लग रहा है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं और दूसरा उसे समझाने पर लगा हुआ है और तीसरे को ये नहीं पता कि लाइफ में हो क्या रहा है। ये मूवी इतनी अच्छी तरह से बनाई गई है, पूरी स्नो में रखे विंटर सीजन में लग के आप इस मूवी को हर एक सेकंड के लिए एंजॉय कर सकते हो। अगर आप इस मूवी को 10 सेकंड के लिए स्किप करते हो मुझे नहीं पता आपको किस तरह की हाई स्कूल ड्रामा मूवीज पसंद आती हैं। ये मूवी इतनी अच्छी है कि किस तरह से आपको रोमांटिक दुनिया में ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस मूवी को जाके पूरा पूरा एंजॉय कर सकते हो लेट इट स्नो को। मैं तब से जानता हूँ जब मैं 5 साल का था, इतना आसान नहीं। बस तुम्हें ये कहना है कि तुम्हें उससे दिल तो लगाना ही लेकिन हाथ भी दुख रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है, मैं बढ़िया हूँ। जब ब्रा मिल जाए तो नीचे आ जाना। इसमें आते नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी डंपलिंग। डंपलिंग एक ऐसी मूवी है जहाँ पर आपको एक डंपलिंग नाम की लड़की देखने के लिए मिलेगी जो कि बहुत ही ज्यादा फैट है। जब भी वो हाई स्कूल में जाती है तो उसके कुछ सपने होते हैं वो उनको पूरा करना चाहते हैं। वो एक तरह से चीयर लीडर बनना चाहती होती है लेकिन वो बन नहीं पाती अपने फैट की वजह से। उसके बाद जाके वो एक पार डांसर के रूप में निकल के बाहर आती है। यहाँ पर हमें यह दिखाया गया है कि कोई कैसा भी हो उसे अपने आप से प्यार जरूर करना चाहिए। तो ये मूवी में आपको यही देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो डंपलिंग को। अब देखो नेटफ्लिक्स तो
इस तरह से हो गया कि वो हर मूवी को हिंदी डब्ड करेगा पूरी तरह से, वो नेटफ्लिक्स इंडिया पे राज करना चाहता है। और दूसरी ओर परफेक्ट डेट में आपको नोआ देखने के लिए मिलेंगे। नोआ एक ऐसा करेक्टर है नेटफ्लिक्स का जो आपको हर रोमांटिक मूवी में, टीनेज मूवी में, मतलब हाई स्कूल ड्रामा मूवी में देखने के लिए मिलेगा। और इस कहानी का प्लॉट फॉलो करता है एक ऐसे ब्रूक्स नाम के लड़के के ऊपर जो कि मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, और दूसरी ओर वो एक हाई स्कूल में, बहुत ही रिच हाई स्कूल डांस स्कूल में जाना चाहता है। तभी उसे एक अपने दोस्त की दूर की रिश्तेदार से प्यार हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसे हेल्प करता है, एक पोस्ट गाड़ी देता है, मतलब जैसे भी हो रोमांस के लिए वो दोनों डांस के लिए जाते हैं। और दूसरी ओर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं कुछ एक ऐसी ऐप बना दूं कि जो भी लोग मेरी तरह से हैं वो एक दूसरे को डेट कर सकें, मतलब पूछ सकें, मतलब एक तरह से टिंडर जहां पर मैच आता है नहीं, वहां पर आप सीधा जाके टेक्स्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आप जो मेरे साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। उसके बाद कहानी में क्या टर्न और ट्विस्ट आते हैं तो आप इस मूवी को जाके एंजॉय कर सकते हो, द परफेक्ट डेट को, जैसे सभी मूवीज आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएंगी। और शेल्बी को भी डेट कर सकूं, वो मेरा सपना सच होने जा रहा है। सिर्फ वेट कर रहे हो कि लोग तुम्हें कब अपनाए खुद को अपनाने की बजाय। तुम बहुत टफ एक्ट करती हो। ये सिर्फ एक्ट है। पहले हम साथ में टाइम स्पेंड करते थे। नंबर लिस्ट में आती है नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल मूवी टॉल गर्ल। टॉल गर्ल को 2019 में रिलीज किया गया था। टॉल गर्ल एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए, मतलब लाइफ लेसन मूवी देख जाएगी। कहानी है एक ऐसी जोड़ी नाम की लड़की की जो कि 6'4" की है, जो कि बहुत ही लंबी है। हाई स्कूल में वह बहुत ही ज्यादा सबसे लंबी लड़की है, और दूसरी ओर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि मतलब 5 या 5.5 फुट का होगा, और एक उसकी दोस्त है और उसकी सिस्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा फैशनेबल है, जो कि मॉडल है, जो कि मिस भी बन चुकी है। और दूसरी ओर हाई स्कूल में किस तरह से वो प्रॉब्लम फेस करती हैं जो आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा। तभी एक हीरो की एंट्री होती है जो कि दूसरे कंट्री से आया हुआ होता है, जो जहां पर उसकी कंट्री में उसकी वैल्यू नहीं होती और जहां आकर वो हीरो बन जाता है, बस उसी के अराउंडिंग जो स्टोरी घूमती है। अब मैं इसके अलावा इस मूवी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, आप इस मूवी को जाके खुद देखिए। टॉल गर्ल एक बहुत ही अच्छी मूवी है। हमारी लिस्ट में आती है नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल मूवी द हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट एक मेरी खुद की फेवरेट मूवी है जिसमें आपको कहानी देखने के लिए मिलेगी एक ऐसी जोजो नाम की लड़की की जो कि 17 साल की है, जो कि ऐसे एक स्वीडिश नाम के गांव में रह रही है, जहां पर एक ऐसी सिटी में रह रही है जहां पर कुछ ज्यादा लोग जानते नहीं है। और दूसरी ओर वो अपने पापा के साथ रह रही है और वो $10 में सभी के लिए काम कर देती है, होमवर्क कर देती है ताकि उनका खर्चा भी अच्छे से निकलता रहे। दूसरी ओर कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब एक लड़का आके उसे बोलता है कि वो उसके लिए लव लेटर लिखे, वो उसके लिए पेमेंट करेगी। और तभी कहानी में आगे जाके वो उस लड़की से मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है, और दूसरी ओर उस लड़के को उससे प्यार हो जाता है और उसे उससे। अब कहानी में आके क्या होता है जी आपको खुद जानना होगा जी। एक मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है द हाफ ऑफ इट। अगर आप इस मूवी को देखते हो तो सीरियसली आप इस मूवी को 10 सेकंड के लिए स्किप नहीं करना चाहोगे, इतनी ब्यूटीफुली इस मूवी को बनाया गया द हाफ ऑफ इट को। स्कूल के रास्ते खतरनाक हैं। मैं एलिशू हूँ। हाँ जानती हूँ। वो मुझसे लव लेटर लिखवाना है ना? ठीक है, मैं जरूर लिखूंगी। हे, उसका जवाब आया है, लगता है वो मान गई। अब उससे मिलने के लिए पूछो। हमारी लिस्ट में आती है नेटफ्लिक्स की आज तक की मेबी सबसे सक्सेसफुल मूवी हाई स्कूल ड्रामा कॉमेडी 3 मूवी टू ऑल द बॉयज आई वी लव्ड बिफोर। इसके आपको दो पार्ट देखने के लिए मिलेंगे, थर्ड पार्ट में भी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर रिलीज हो जाएगा। सारे के सारे पार्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, और कहानी का प्लॉट फॉलो करता है 3 ऐसी सिस्टर्स के ऊपर जो कि अपने फादर के साथ एक घर में रह रही हैं क्योंकि उनकी मॉम उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। और कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब बड़ी सिस्टर पढ़ने के लिए दूसरी कंट्री में चली जाती है और मिडिल एज सिस्टर हाई स्कूल में जाती है और छोटी सिस्टर भी हाई स्कूल में ही जाती है, लेकिन मिडिल एज सिस्टर का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता और उसने लेटर लिखे होते हैं आज तक जितने भी लड़कों को मिली है, और उसकी छोटी सिस्टर उस लेटर को पोस्ट कर देती है। तभी जाके नोआ की एंट्री होती है, तो कहानी में क्या होता है आगे जी आपको खुद देखना होगा। अब इससे ज्यादा मैं मूवी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा जी। मूवी बाकी में बहुत अच्छी है, टू ऑल द बॉयज आई वी लव बिफोर, आप इस मूवी को जाके पूरा एंजॉय कर सकते हो। तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ पर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। I'm sorry, क्या? और आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें बहुत गहरी हैं। Oh my God, it's Josh. मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ ताकि किसी और को ना लगे कि मैं उसे लाइक करती हूँ। हम लोगों को यकीन दिला दें कि हम साथ में हैं तो Let's do this. मेरी तरफ से आप सबके लिए टॉप 10 नेटफ्लिक्स की हाई स्कूल ड्रामा 3 मूवीज। इनमें से आप कुछ मूवीज को बार बार देखना चाहोगे, टू ऑल द बॉयज आई वी लव यू फॉर द हाफ ऑफ इट, द किसिंग बूथ, और द ऑल द ब्राइट प्लेसेस, द परफेक्ट डेट। एक ऐसे 5 मूवीज ऐसी हैं कि जो आपको पूरा टाइम अपने आप में बनाए रखेंगी और आप इन मूवी को बार बार देखना चाहोगे। मतलब कुछ मूवीज होती हैं जो इतनी अच्छी बन जाती हैं कि उन मूवीज में आपको अपना
बीता हुआ टाइम या फिर कुछ ऐसे थिंग्स देखने के लिए मिलते हैं कि वो मूवीज आपके लिए स्पेशल बन जाती हैं। तो ये मूवीज ऐसे ही हैं। अगर आपको ये मूवीज की लिस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इससे थोड़ी चैनल की भी हेल्प हो जाएगी और चैनल पर सब्सक्राइबर सीरियसली बहुत कम है। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।